फिर चालू हो गया, शुभारंभ हो गया, अभी लोगों का ड्यूटी भी शुरू हो गया और ये निःशुल्क। उन्होंने यहाँ के लोगों से और प्रशासन का सागर है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार पंख। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने आज मेला का उद्घाटन दुम्मा में किया और उन्होंने यहाँ के लोगों से और प्रशासन से भी आग्रह किया है कि जिस प्रकार कुंभ में स्वच्छता और विनम्रता के साथ वहाँ के मेले को एक नया आयाम दिया गया, एक रूप दिया गया, बस बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और देश विदेश के आते हैं और यहाँ मनोकामना लिंग है, जिस भाव से लोग आते हैं, मन सारी मांगे को बाबा पूरा करते हैं, सारे लोगों का एक सामूहिक प्रयास होता है और एक महीने का ये मेला है, ऐसे मेला तो भादों तक चलता है। यहाँ के स्थानीय लोग और ख़ास करके जितना भी सेवा शिविर लगाता है, जो निःशुल्क पानी देने की व्यवस्था करता है, गर्म पानी देने की व्यवस्था करता है, फलाहार की व्यवस्था करता है, जल पिलाने की व्यवस्था करता है, मरहम पट्टी लगाने की व्यवस्था करता है, निःशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था करता है, वैसे सेवा शिविर के सारे लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके आज इन शिविर का उद्घाटन करने के लिए मैं आया बाबा वैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी, मैं हमेशा आता हूँ। एक महीने का भाव जो मनोज जी और इनके पूरी टीम दिखाती है, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के लोगों को और जितने लोग सेवा शिविर लगाते हैं और यहाँ के प्रशासक को, सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि एक महीना का अनवरत प्रयास एक उत्सव के रूप में देखा जाता है, सारे लोगों की मांग पूरी हो, यही बाबा वैद्यनाथ से प्राप्त। मैं ये कहूँगा कि ये हर साल की तरह इस साल भी कर रहे हैं बाबा की सेवा, तमाम की सेवा, और ये लगे रहते हैं, बाबा वैद्यनाथ वेलफेयर लगा रहता है, जिसमें हमारे मनोज कौशिक जी लगे रहते हैं और हम लोग भी इनके साथ हैं, हम लोग भी इनके साथ हैं और हम लोग से भी जो होता है हम लोग इनके साथ मिलकर सेवा करते हैं। और ये एक महीना चलता है, एक महीना सेवा चलता है, एक महीना भी हम लोग मिलकर साथ हैं, हम लोग आते हैं और आके सेवा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का जो स्वयंसेवी संस्था जो सेवा लगाता है, कंटिन्यू प्रयास करता, सालों साल कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था का भी बहुत अनुदान रहता है, संस्था के साथ यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ के रहने वाले, उनका भी सहयोग रहता है, प्रशासन का भी सहयोग रहता है, प्रशासन भी इसको संभालती है और बहुत अच्छे से मेला हम लोग का सद्भावना से और प्रेम भाव से महीने भर का
मेला हम लोग का निकलता है, हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है कि मेला आता है तो हम लोग को इसका इंतजार भी करते हैं। श्रावणी मेला एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाली है हमारी सरकार, और विशेषकर यहाँ की जनता जो जनार्दन के रूप में आने वाले कांवरियों को अतिथि मानकर देव भाव से सेवा कर रही है, तो आप देखेंगे। और हमारी पूरी तन्मयता के साथ ये प्रयास है कि ये जो हमारे कुंभ के तर्ज पर जो ये अभी चल रहा है उससे भी बेहतर हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि एक आपका गाड़ी चलता है जिसमें कि सेवा होता है, इस बार क्या इस बार आप लोग कर रहे हैं? अर्जुन मुंडा सेवा रथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी चल रही है और चलेगी ही आने वाले समय में भी। वो क्या है, एक चलंत रथ है जिसकी आवश्यकता कहीं भी हो वो उपलब्ध होते हैं। उसके क्या सेवा उसमें देते हैं चंद्रशेखर जी आप? उसके माध्यम से हम लोग नींबू शरबत, पानी, ग्लूकोन डी, फल, फलाहार, और रात के समय अन्य अन्य दिनों में जिस दिन भीड़ होती है उस दिन पूड़ी, सब्जी और हलवे का वितरण करते हैं। कितने सालों से लगाई जा रही है नौवां सेवा यहाँ पर दिया जा रहा है? नौवां वर्ष। और यहाँ इस शिविर के द्वारा हम लोग बैंडेज, पट्टी, तेल, मालिश, जूस वितरण, ग्लूकोज, शरबत, नींबू पानी, फल इत्यादि की व्यवस्था है। कमरिया को कभी कभी योग के द्वारा हम लोग योगासन करा के कमर का जकड़न भी ठीक करते हैं। यहाँ दिन रात सेवा करेंगे। आज से ये शिविर चालू हो गया, शुभारम्भ हो गया, अब इन लोगों का ड्यूटी भी शुरू हो गया। और ये निःशुल्क भाव से सेवा करते हैं। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, सब ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं। सोमवार को कुछ स्पेशल आप लोग करते हैं क्या? सोमवार को हम लोग का डेली रूटीन है, फल वितरण शाम में, सोमवार हो या प्रतिदिन हो, कुछ भी हो, सुबह में डाक बम का ये सादा जल, फिर दोपहर में शरबत, नींबू शरबत, ये ग्लूकोज, ये सब दोपहर में करते हैं। तो ये डेली रूटीन है, ये पूरा महीना चलेगा। और पिछले वर्ष तो जैसा आपने देखा था कि भादो भी चला, ढैया मेला आसिन तक भी चला हमारा शिविर इसी स्थान पर। यह नौवां वर्ष है इस शिविर का। क्या कहना चाहेंगे यहाँ का लोगों से, प्रशासन से? यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और यहाँ तो कंकड़ में शंकर हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सभी भावनात्मक रूप से बाबा से जुड़े हुए हैं, और बाबा मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रधान है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस धरती पर रह रहे हैं, उनका तो और बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस धरती पर जन्म लिए हैं। तो पूरे देवघरवासी इस कमरिया के रंग में रंग जाता है, और पूरा महीना भर डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से ये सावन मेला में जुड़े रहते हैं। किसी भी तरह से वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कांवरियों का, ताकि देवघर का एक अच्छा सुखद संदेश लेकर कांवरिया वापस अपने घर लौटें।